नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल टीवी इंडिया के टॉप 10 फैक्ट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। महेंद्र सिंह धोनी बैडमिंटन और फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे और इन खेलों में उन्होंने सफलताएं भी प्राप्त की। वे अक्सर गोलकीपिंग किया करते थे। उन्हें उनके कोच ने एक मैच में क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया, जबकि वे इस खेल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग ने कई लोगों को आकर्षित किया। 1998 में धोनी बिहार की अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। उस समय उनकी टीम पंजाब के खिलाफ हार गई थी, लेकिन धोनी का प्रदर्शन सही रहा। इसी के आधार पर उन्हें बिहार की रणजी टीम में भी शामिल कर लिया गया और यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। इसी दौरान उन्हें रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी मिली और खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग। परिवार की मदद के लिए उन्होंने 2001 से 2003 तक यह नौकरी की और बाद में 2003 और 2004 में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते वे इंडिया टीम में सिलेक्ट भी हुए। महेंद्र सिंह धोनी का नाम कई हाई प्रोफाइल अभिनेत्रियों से जुड़ गया, लेकिन उन्होंने 4 जुलाई 2010 को देहरादून की साक्षी रावत से शादी की। धोनी और साक्षी की एक बेटी भी है जिसका नाम जीवा है। महेंद्र सिंह धोनी मोटर बाइक्स के खासे दीवाने हैं। उनके पास एक से बढ़कर एक आधुनिक मोटर बाइक्स मौजूद है। महेंद्र सिंह धोनी को कारों का भी बड़ा शौक है। उनके पास हमर जैसी कई महंगी कारें भी मौजूद है। महेंद्र सिंह धोनी एडम गिलग्रिस्ट के सबसे बड़े फैन है। धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट के दौरान पैर के पास गिरती बॉल पर वे जबरदस्त प्रहार करते हैं। अपने बल्ले को हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घुमाकर वे बताते हैं कि इस शॉट को वे अपने क्रिकेट के शुरुआती दौर से ही खेलते आ रहे हैं। हालांकि यह शॉट जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। जरा सी चूक होने पर पांव पर चोट लग सकती है। धोनी इस समय बहुत बड़े बड़े ब्रांड का विज्ञापन कर रहे हैं, जिसमें रिबॉक पेप्सी के प्रोडक्ट्स भी शामिल है। वे शाहरुख खान के बाद सबसे ज्यादा विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि शाहरुख खान के पास 21 ब्रांड है और धोनी के पास 20। एक दशक के अंदर ही छोटे शहर का एक गुमनाम शख्स जिस तेजी से दौलत शोहरत और कामयाबी के शिखर पर पहुंचा, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। जब एहसास हुआ कि बल्ला नहीं चल रहा है तो उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ने में भी देर नहीं लगाई। 2013 के सर्वे के अनुसार धोनी दुनिया के टॉप 100 एथलीटों में से 31वें स्थान पर थे, यानी कि हुसैन बोल्ट से भी कहीं आगे। पद्मश्री, पद्मा भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न, IIC ODI टीम ऑफ द ईयर, ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन स्पोर्ट्स आदि अवार्ड्स धोनी के नाम है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।